द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. हम सबको पता है जो लीव्स होती है, लीव्स दे रखी है हमें, ये कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है. और इन ये जो ग्रीन कलर होता है वो किसको क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है. इट हैज लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन. जो ये लीव्स होती हैं इनमें जो कलर होता है ग्रीन कलर, वो उसको क्या कहलाते हैं? कहते हैं हम क्लोरोफिल कहते हैं. और यहीं से जो सनलाइट है, जो सूरज की धूप है, वो इस पर गिरती है और वो क्या करते हैं? सोख लेते हैं. दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस या प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और यही एनर्जी जो सनलाइट है वो जो इस पर गिरती है उसको हेल्प से जो ये पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिला के अपना खाना बनाते हैं. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए पेड़ों में. इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल और सॉरी इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है बेटा? जो खाना बनाते हैं पेड़ उसमें क्या क्या की ज़रूरत होती है? किसी चीज़ों की जरूरत? सनलाइट की, वाटर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की. इन तीनों चीज़ों को मिला के फूड बनाते हैं प्लांट्स अपना. फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन. लाइट की हेल्प से वो अपना खाना जोड़ के बनाते हैं. कंबाइन मतलब जोड़ना होता है. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये सबसे अनोखी प्रोसेस है पूरी धरती पे. ठीक है, प्रक्रिया है. प्रोसेस मतलब है प्रक्रिया. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो सोलर, सन से जो एनर्जी मिलती है हमें, वो क्या होती है? सोलर एनर्जी तो होती है. तो लीव्स क्या करते हैं? वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, अंदर अपने तरफ सोख लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स में. किसके रूप में? फूड के फॉर्म में. द सन थस सन इज The ultimate source of energy for all living organism. इससे हमें ये पता चलता है कि जो सन है पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है. एक कह सकते हो कभी नष्ट और कभी ख़त्म होने वाला एक ऐसी क्या बोलते हैं सोर्स है एनर्जी का जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप अपनी लाइफ पृथ्वी पर इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो बगैर फोटोसिंथेसिस के? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई भी खाना नहीं बनेगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. ठीक है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे आप डायरेक्टली कह लो चाहे इनडायरेक्टली कह लो, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. बिसाइड्स ऑक्सीजन, वैन ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द लिव फॉर द सर्वाइवल of all living organisms is produced during photosynthesis. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा important है living organisms के लिए oxygen, वो भी photosynthesis जब होती है प्रक्रिया process होती है तभी वो मिलता है हमें. In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth. ठीक है, अगर photosynthesis नहीं होगी plants में, plants अपना खाना नहीं बनाएंगे तो जो इंसान है कोई भी जिंदगी एक अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो. ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन. अब जो ये लैंग्वेज इन्होंने समझाई वो इस इक्वेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनको मिला हमें किसके प्रेजेंस में. अगर ग्रीन कलर जो है लीव्स में वो किसके वजह से है? ग्रीन कलर क्लोरोफिल के वजह से. क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन हमें मिलता है. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, कुछ स्टोर भी कर लेते हैं लीव्स में, और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं. ठीक है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन.
ठीक है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स अपने पास रख लेते हैं और कुछ अपने लीव्स में, रूट्स में, अलग अलग पार्ट में स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि कि अगर धूप ना निकले तो वो अपना खाना तब भी बना सकें और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ ये डायग्राम दे रखा है, इसमें देखिए, ये देखो ये क्लोरोफिल, ये एक लीव का स्ट्रक्चर है, ये देखो लीव दे रखा है यहाँ पर, एक कैसी दिखती है लीव, इसमें मैंने बताया था एक छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स पे, वो जो छेद होते हैं वो किससे सराउंड होते हैं, किससे ढके हुए होते हैं, वो एक गार्ड सेल, कैसे होते गार्ड, मतलब क्या होता है, कोई हम अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए गार्ड लगाते हैं ना, ताकि कोई घर में चौकीदार लगाते हैं, घर में कोई घुस ना जाए, ऐसे ही इस लीव्स को देखभाल, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको देखभाल करने के लिए गार्ड सेल होते हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल होते हैं, ये छोटे छोटे देख रहे हो, ये छोटे छोटे बिंदी बिंदी बिंदी, ये गार्ड सेल है, और ये स्मॉल ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये क्या है हमारा स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, और इसके अंदर ये स्टोमेटा है छेद, ये आपको बड़ा करके दिखाया गया है, और ये बी वाला ऑप्शन देखो, अ सेक्शन थ्रू अ लीव, अब लीफ के अंदर का दिखाएंगे पूरा बड़ा करके, ये देखो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये सारा ये क्लोरोफिल है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो बिंदी दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे बिंदी, ये गार्ड सेल हैं। स्टोमेटा क्या है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, देख रहे हो आप, ये स्टोमेटा है, समझ में आ गया। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखे है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये एक फ्लावर का प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये लीफ है, लीफ क्लोरोफिल देख रहे हो, ग्रीन कलर क्लोरोफिल इन लीव्स, ग्रीन कलर की वजह से हमारा लीफ, जो क्लोरोफिल की वजह से हमारी लीव ग्रीन दिखती है। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, रूट से मिलते हैं हमें, ये प्रोसेस हो रही है, आप देख रहे हो, सनलाइट है ये हमारी, सनलाइट किससे पड़ी, पत्ती पे पड़ी, पत्ती पे कार्बन डाइऑक्साइड गया अंदर और ऑक्सीजन बाहर आएगा, किसके थ्रू, मैंने अभी आपको बताया था स्टोमेटा ही हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ठीक है, इस प्रोसेस में मैंने बताया ऑक्सीजन हमें मिलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इंटू स्टार्च। ठीक है, और जो ये कार्बोहाइड्रेट मिला हमें वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है इन लीव्स। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी कन्वर्ट इंटू स्टार्च, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो ये स्टार्च का प्रेजेंस होना लीव में बताता है कि फोटोसिंथेसिस हुई है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, लीव्स में जो स्टोर होता है वो स्टार्च होता है, वैसे मिलता क्या है हमें कार्बोहाइड्रेट, और कुछ ज़्यादा अमाउंट में ये लोग स्टोर करके रखते हैं, अगर इनकेस धूप नहीं निकली तो वो अपना खाना बना सके तब भी।